उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां सपा से मुकाबला कर रही है, तो वहीं बीजेपी के बागी भी बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ के बाद अब गोंडा की सीटों पर भी बीजेपी के बागी परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं, जहां कई सीटों पर बागियों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। कटरा में सियासत के लिए अब ऊंची उड़ान जिसकी होगी वही सियासत को तय करेगा। मुर्दाबाद। 300 पार का नारा लेकर चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी के लिए परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, जहां अभी बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह जैसे बड़े नेताओं की बगावत से अभी उभरी भी नहीं थी कि अब गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ के बाद गोंडा में भी बीजेपी के कई बागियों ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। और इस बगावत की वजह कुछ और नहीं बल्कि 2022 के लिए बीजेपी का टिकट है। गोंडा की कटरा सीट पर विनोद शुक्ला टिकट मिलने की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन टिकट कटा तो विनोद बीजेपी के नेताओं पर ही हमला करते हुए नजर आए और बसपा का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, बसपा ने बीजेपी के इस बागी को कटरा से टिकट भी दे दिया है। मेरी टिकट लगभग फाइनल थी, आखिरी क्षणों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्हीं पुश्तैनी पुराने चेहरों पर दांव लगाया, जिनके सियासत जिनको विरासत में मिली है और विरासतें अब तय नहीं करेंगी कि सियासत कौन करेगा। कटरा में सियासत के लिए अब ऊंची उड़ान जिसकी होगी वही सियासत को तय करेगा। अब तक मेरा कंफर्म था। गोंडा में बीजेपी के बागी अकेले विनोद शुक्ला नहीं है, बल्कि गोंडा की कटनेलगंज सीट पर बीजेपी के ही विधायक अजय प्रताप सिंह ने भी बगावत कर दी है। और बगावत भी ऐसी कि अजय प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह को अपना समर्थन दे दिया है। अजय प्रताप सिंह के साथ उनके समर्थक भी उन्हीं के रास्ते पर हैं। इससे बीजेपी के उम्मीदवार अजय कुमार सिंह की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जब इनका टिकट कटा इन्हें भी कष्ट हुआ, मैं प्रतिद्वंदी था, राजनीति मुझे भी कष्ट हुआ, राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी मुझे कष्ट हुआ कि क्यों उनका टिकट कट गया। उनकी लड़ाई अच्छी हमारी उनकी बनती, खूब जम के दोनों लड़ते और हम उनको पटक दें हमको पटक दें, ये तो राजनीति में चला ही करता, कोई आवे राजनीति तो कोई, लोकतंत्र सबका अधिकार है लड़ने का। लेकिन जिस तरह से इनका खनन करके टिकट कटवाया गया उससे वो आहत हुए। ये बगावत अकेले बीजेपी में ही देखने को नहीं मिल रही, बल्कि सपा के भी कई बड़े नेता बगावत कर चुके हैं। अपर्णा यादव की बगावत पूरे देश ने देखी, लेकिन बहराइच से लेकर बरेली तक सपा के भी कई नेता टिकट कटने के बाद में बगावत पर उतर आए हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकिन इस तरह की बगावत से राजनीतिक दल कैसे निपटेंगे और इस बगावत का क्या असर होगा, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 8/9 न्यूज़।